मगरिया दूर है, जाना भी जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना भी जरूर है। जी हाँ, लोग कहीं भी हो, लेकिन कांवर यात्रा जिन्होंने संकल्प लिया है कि करनी है, तो 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके जाते हैं। पैरों में छाले पड़ जाएं, लेकिन जाना जरूर है, यही कहते हुए बोलबम के नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से कांवरिया पद गुलजार हो गया है कांवरियों से, और कैसे छैला बिहारी के गानों पर झूम रहे हैं कांवरिया। आज की खास पेशकश, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान फौजदारी बाबा बासुकीनाथ के दरबार में देश विदेश के कोने कोने से कांवड़िया पहुंचते हैं। बाबा बासुकीनाथ के प्रति इन कांवड़ियों की ऐसी अटूट श्रद्धा है कि लंबे सफर के बाद भी ये थकते नहीं हैं, और इनकी सारी थकान बाबा के दरबार में पहुंचते ही खत्म हो जाती है। आखिर बाबा के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा और विश्वास की ताकत इन कांवड़ियों को कैसे और कहाँ से मिलती है, इस पर बात की दुमका से हमारे संवाददाता राहुल। का नारा है बाबा एक सहारा है, सावन का महीना है और सावन के इस पावन महीने में बाबा बासुकीनाथ का दरबार भक्तों से गुलजार बना हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पवित्र शिवगंगा के तट पर, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार शिव भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुल्तानगंज से जो भक्त दो पात्र में जल भर कर लाते हैं, एक पात्र बाबा बैजनाथ धाम को जलार्पण करने के बाद दूसरे पात्र का जल बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करना नहीं भूलते हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि भागलपुर के बरारी से जल उठाकर बाबा भोलेनाथ के भक्त कांवरिये के रूप में बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पहुंचते हैं, और वो जल पात्र लेकर सीधे बरारी के रास्ते होते हुए हसदिया से होते हुए दुमका पहुँचते हैं। और मैं वो नज़ारा दिखाना चाहता हूँ शिवगंगा के पास जो कांवरिया पथ है, यहाँ पर भक्त लगातार दूर दराज से आ रहे हैं और बाबा बासुकीनाथ को जल चढ़ाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। बम आप कहाँ से आ रहे हैं? एक बम से मैं बात करवाना चाहता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? पटना से आ रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम तो 5 साल से आ रहे हैं। आस्था और भक्ति बाबा बासुकीनाथ के प्रति? वो क्या की, आस्था भक्ति है तभी तो आ रहे हैं। आस्था और भक्ति है इसलिए बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पहुंचते हैं यहाँ पे बम, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। सारे भक्त को एक उम्मीद रहती है कि बाबा बासुकीनाथ का दरबार उनकी मनोकामना पूरी करेगी। हमारे साथ कांवरिया पथ पे और भी भक्त आ रहे हैं, मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। हर भक्त को ये एक उत्साह है कि वो जल्द से जल्द बाबा का दर्शन कर लें और उनका जलाभिषेक करने के बाद फिर अपनी मंजिल लौट आएं। कितने सालों से आ रहे बाबा बासुकीनाथ? 4 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ पर आस्था? बढ़िया। आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ से। कितने सालों से आ रहे हैं? ये तो मेरा पहला ही साल है, पर पहला अनुभव बहुत खास रहा। 120 किलोमीटर चलने के बाद, शुरू में 20 किलोमीटर चले थे तो ऐसा लग रहा था कि नहीं चल पाएंगे, फिर अपने आप बाबा ने जो शक्ति दी वो 120 पार हो गए और इधर फिर वापस से हम आ गए। ये बाबा का आशीर्वाद ही है। तो आप देख सकते हैं बाबा का ये आशीर्वाद है, बाबा के प्रति भक्तों में काफ़ी उत्साह है, लगातार कांवरियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप, मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कांवरिया पथ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दराज से, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, सारे देश के जो तमाम जो कोने हैं उन हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं और बाबा बासुकीनाथ के पास एक मनोकामना लेकर आ रहे हैं कि उनकी मनोकामना पर फौरन कार्रवाई हो। न्यूज़ इंडिया के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता। तो लोग सही कह रहे हैं कि बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। सबको पता है शक्ति नहीं है हम में, लेकिन उसके बाद भी बाबा से यही मांगते हैं कि शक्ति दो, और बाबा शक्ति देते हैं। सावन के महीने में बाबा धाम में कई अनोखी कांवड़ भी देखने को मिलती है। भक्त अपनी अपनी तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही शिव भक्तों से मिलाते हैं जो आकर्षक कांवड़ लेकर बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। बोल 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 कांवरिया, बोल कांवरिया, आस्था के
सफर में आपको अनोखे अनोखे कांवर, अनोखे अनोखे कांवरिया देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। न्यूज इंडिया तमाम अनोखे कांवर से आपको रूबरू कराता रहेगा। आज भी एक हम अनोखे कांवर से आपको मिलाते हैं। आप ये देखिए, इतना भव्य कांवर, इतना बड़ा कांवर ये कांधे पर लेकर के सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। आप ये कांवर का ये देख के ही रूप बता सकते हैं कि ये अनोखा कांवर है और काफी अद्भुत कांवर है। ये कांवर क्या है, सीधे हम यहाँ के लोगों से ही रूबरू होते हैं। भैया ये बताओ, ये कांवर क्या रूप दे करके लाए हो? भैया हम लोग माता रानी का रूप दे के लाए हैं, वैष्णो माता का। कितना वजन कितना होगा इसका? होगा 80 करीब। 80 कितना? अच्छा, ये क्या लेकर के आए हो बाबा के दरबार में, ये बताओ। हम लोग माता रानी का पिंडी रूप में लेके आए हैं, माता रानी को बाबा के नगरी पे लेके आए हैं कि माता रानी को बाबा के नगरी पे हम लोग ला सके, बाबा को मिला सके माता रानी से। इस उद्देश्य में हम लोग माता रानी का पिंडी सही रूप बना के लेके आए हैं। माँ पिंडी रूप, वैष्णो देवी का माँ पिंडी रूप है। हम लोग बाबा धाम को एक कंधा पे करके हम लोग लेके आया है, सुल्तानगंज से पानी उठा के। ये हम लोग कलकत्ता से मैंने हम लोगों ने लेके आया है ये डोली को अपना। भैया बल्कि हम लोग सारा ये जितना हम लोग देख रहे हैं खुद के हाथों से बना के लेके आया है, ताकि खुद से बनाए, खुद से बनाए। तो ये इस तरह का वैष्णो देवी का जो माता का रानी का दरबार को जो सजा करके लेके आए हो, इसके पीछे क्या मकसद है? ये हम लोगों को बस बाबा से माँ का मिलाने का एक मकसद है कि मतलब हम लोग ये सावन महीना में माँ तो माता रानी को दरबार से बाबा को मिलाने के लिए हम लोगों ने ये माता रानी का रूप बना के लेके आया है, ताकि बाबा से हम लोगों को माँ का मिला सके। बोल बोल। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये माता वैष्णो देवी जो है उसका इन लोगों ने प्रारूप तैयार किया है। पूरा वैष्णो देवी माता का दरबार को इन लोगों ने सजाया है अपने कांवर में, और इस कांवर को लेकर के बाबा से मिलाने के लिए, जैसा कि इन लोगों ने कहा, बाबा से मिलाने के लिए ये बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा बम जी, ये बताइए बम जी, ऐसे ऐसे कांवर लेके आने के पीछे क्या मकसद होता है? ये मकसद कुछ नहीं है, एक नया चीज है जो सबका दिल में इच्छा है, वो अपना अपना प्रतिमा बना के ले चले। इससे पहले भी हमने आगे साल भी आए थे, तो आगे साल 12 फुट का डोली था, इस बार डोली कम है और खूबसूरत है, और माँ को मिलाने का उपदेश है। सब माँ के भक्त हैं, यहाँ जितने बंदे दिख रहे सब माँ के भक्त हैं। और कैसा रहता है आस्था का ये सफर? आप लोग ऐसे अनोखे अनोखे लाते हो, बढ़िया लगता है बाबा के यहाँ के, बहुत बढ़िया, बहुत हम लोग मस्ती में रहते हैं। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, क्या भैया कैसा रहा सफर, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, माता रानी का तरफ से बहुत अच्छा सफर रहा, माता रानी को लेकर बहुत अच्छा सफर। जय माता दी, जय माता दी। बिल्कुल, ऐसे अनोखे कांवर आपको केवल कांवरिया पथ, यानी कि सावन के महीने में कांवरिया पथ में ही देखने को मिलेंगे। लोग अपने अपने तरीके से बाबा को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं, और ये भक्त जो कलकत्ता से आए हुए भक्त हैं, ये भी हर साल ये प्रयास करते हैं कि कुछ नया, कुछ अनोखा कांवर लेके बाबा के दरबार की ओर जाएं। और इस बार इन्होंने माता का दरबार यानी वैष्णो देवी के दरबार को पूरे अपने कांवर में सजा करके बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। ये टोली जो है, ये टोली में कितनी संख्या है? टोली में कितने लोगों की? 32 32 लोगों की है, ये 32 लोगों की टोली है। और ये टोली जो है लगातार कह सकते हैं इतने भारी कांवर को कांधे में लेकर के बाबा की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। आस्था का ये अनूठा नमूना, आस्था का ये रूप आपको केवल कांवरिया पथ देवघर में ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज इंडिया देवघर। बारह ज्योतिर्लिंगों में से बाबा धाम अनोखा है, यहाँ पर शक्ति पीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, इसीलिए माँ को लेकर आए हैं बाबा से मिलाने के लिए। बहरहाल अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए तो अलग अलग शिविर लगे हैं, वहां पर कांवरिया पहुंच रहे हैं थके हारे, उनकी आस्था ऐसी है कि बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। इस सफर के दौरान भक्ति रस में डूब रहे हैं कांवरिया, उनके लिए खास व्यवस्था की है। देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सारी थकान भुलाकर। Thank you.
बाबा धाम में नाच रहे हैं, गा रहे हैं कांवरिया। वैसे कहते हैं कि बाबा धाम के बाद अगर आप वासुकीनाथ नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। बाबा वासुकीनाथ के दरबार में कांवड़ियों की हाजिरी लगाने का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम बाबा पर जलार्पण करने के बाद कांवरिये फौजदारी बाबा वासुकीनाथ के दरबार में भी हाजिरी लगाते हैं। कई कांवरिये ऐसे भी होते हैं जो भागलपुर के बरारी से जल उठाकर दुमका के हसडीहा वाले रास्ते में वासुकीनाथ पहुंचते हैं और फौजदारी बाबा का जल अभिषेक करते हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता राहुल ने कांवरिया पद का जायजा लिया। सावन का महीना है और सावन के इस पवित्र महीने में बाबा वासुकीनाथ का दरबार गुलजार बना हुआ है। चाहे देश के किसी भी कोने से बाबा के जो भी भक्त हैं वो बाबा वासुकीनाथ के दरबार में आना नहीं भूलते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही कांवरिया हैं जो देश के अलग अलग कोने से पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आसाम के कुछ कांवरिया हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये बाबा के प्रति जो आस्था और विश्वास है आखिर इसकी क्या वजह है जो कि इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर वो आते हैं। बम ये बताइए कि आप आसाम से आए हुए हैं, क्या वजह है बाबा वासुकीनाथ के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति की? बाबा नाथ तो भोलेनाथ बाबा है, ये हम लोग उसको जल चढ़ाएंगे तो हम लोग को बहुत शांति मिलती है, मन मन में सबका घर में सुख शांति होता है। वही हिसाब से हम लोग बाबा को बहुत मानते हैं और मानना भी चाहते हैं आगे से। बाबा के प्रति ये श्रद्धा और विश्वास है, आस्था और विश्वास कह सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त है कि ये इतनी लंबी सफ़र तय करने के बाद भी नहीं थकते हैं और यहाँ पर बाबा वासुकीनाथ के दरबार में आकर अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। हमारे साथ ऐसे और भी कुछ कांवरियाँ हैं, उनसे भी बात करते हैं जो सुल्तानगंज से जल भरकर बैजनाथ का दर्शन करने के बाद बाबा वासुकीनाथ के दरबार में पहुँचे हुए हैं। बम ये बताइए कि सुल्तानगंज से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा सफ़र और बाबा वासुकीनाथ में यहाँ पर जलाभिषेक करना कितनी और आस्था विश्वास जुड़ी हुई आपकी? सुल्तानगंज से और वासुकीनाथ तक बहुत अच्छा सफ़र रहा और सारी व्यवस्था भी प्रशासन तरफ से बहुत अच्छा रही है और बहुत ही श्रद्धा साथ अच्छा लगा और आगे प्रत्येक साल चेष्टा करेंगे ऐसे ही आते रहेंगे और सभी को मनोकामना पूर्ण करें बाबा वासुकीनाथ की जय। तो इस तरह और भी कांवरियाँ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनकी यहाँ पे आने की वजह क्या है, कितनी आस्था जुड़ी है उनसे। आप बताइए कि क्या वजह है कि बाबा वासुकीनाथ के दरबार में एक लंबा सफ़र तय करके आते हैं यहाँ पर? बाबा जो भी मनोकामना मांगी जाती है बाबा पूरा करते हैं, अब बाबा की आने से आत्मा को बहुत शांति मिलती है। बाबा के दरबार में आने से आत्मा को बहुत शांति मिलती है, तो इस तरह का इनका आस्था और विश्वास इन लोगों का जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये एक मान्यता यहाँ पर है बाबा वासुकीनाथ के दरबार में कि सुल्तानगंज से कांवर यात्रा करने के बाद बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करने के बाद बाबा वासुकीनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना कांवरिया नहीं भूलते हैं, इसकी एक यह वजह मानी जाती है कि फौजदारी बाबा वासुकीनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता। अब हम आपको कांवरिया पद के भक्ति रस की ओर लिए चलते हैं जहां कांवरिया सिंगर छैला बिहारी के भजनों के साथ झूमता नजर आ रहा है। के लिए बाबा ने केवड़िया खोल दी है और लोग दूर दूर से आ भी रहे हैं। बाबा नगरिया दूर है लेकिन लोग जा रहे हैं। लगातार हम खबरें हर रोज आपको बाबा धाम से जुड़े हुए, शिव भक्ति से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नगरिया दूर है, जाना भी दूर है।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।